फ्रेंड्स, बहुत दिन से मैं जिन के ऊपर मैं कोई कॉकटेल वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक जिन के ऊपर कॉकटेल वीडियो बनाया जाए। बाय द वे, मैं आपको दिखा दूं कि आईक्यू एक बहुत अच्छी जिन है जो ओल्ड वोंग कंपनी बनाते हैं। जी हाँ, शायद आपको पता भी नहीं होगा। तो ये इंटरेस्टिंग जिन को इस्तेमाल करके मैं एक कॉन्सेंट्रेट रेडी किया हूँ, जिसको बोलते हैं ब्लू टी जिन। आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ना ब्लू टी दिख रहा होगा आपको। ये जो है ना, ये अपराजिता फ्लावर है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा जिन लिया और उसके ऊपर मैंने 8 से 9 अपराजिता फ्लावर को डाल दिया। अपराजिता फ्लावर को आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं ब्लू पी, या आप बोल सकते हो शंख पुष्पी, नीलकंठ, बहुत नाम है। आपके बगीचे में आराम से मिल जाते हैं ब्लू वाली और फ्लावर। तो मैंने एक जिन के साथ इन्फ्यूज करके ब्लू कलर का ड्रिंक बना लिया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आज इसको इस्तेमाल करूँगा। तो फिर ये रहा इंग्रेडिएंट्स, देख लीजिए यही सब चाहिए इस कॉकटेल को बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, तो ग्लास तो मैं बाद में यूज़ करूँगा, मैं एक शेकर लूँगा जहाँ पर मैं ये ब्लू पी को डालना चाहूँगा। तो मिल गया मुझे पैक बेजर। अब मैं इसमें डालूँगा अराउंड 60 ml। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये ब्लू कलर की जिन क्या शानदार देखने में लग रहा है ना। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बनाएगा। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग खेल देखिए। अभी तो ये आपको ब्लू ही दिखता होगा, है ना। मे बी आपका कैमरा ये कैच नहीं कर पा रहा क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है, बट ये प्योर ब्लू कलर है। ये देखिए प्योर ब्लू कलर, आप अगर नोटिस करेंगे तो। तो चलिए, तो आपको कमाल दिखाते हैं इस कलर का। बाय द वे, आपको अगर ब्लू टी कहाँ से खरीद सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ब्लू टी ये है, आप अगर चाहे तो खरीद सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फ्लावर है जो ऐसे डब्बे में आपको अमेजन में आराम से मिल जाएंगे। तो मैं वहीं से खरीद के लाया और यह है वो ड्राई फ्लावर जिससे मैंने बनाया। तो ये आपको 7-8 देने पड़ेंगे 60 ml जिन के साथ या 90 ml जिन के साथ, और ये कलर आपको मिल जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा और ये आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास है लाइम जूस, और जैसे ही मैं ये लाइम जूस इसमें डालूंगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। एक बार नोटिस कीजिए, शायद कैमरा में दिख जाए, मैं कोशिश करूंगा। ये देखिए ये पर्पल बन गया है ना, लग रहा है पर्पल, थोड़ा सा ज़्यादा करके दे दिया, पर्पल हो गया। हाँ, तो ये पर्पल बन गया, ठीक है ना। तो यही है इस ब्लू पी का कमाल। अब मैं इसमें थोड़ा सा हनी डालूंगा। अब जो भी ब्रांड आपके पास है डाल दीजिए, थोड़ी सी अराउंड 10 ml की करीब करीब, थोड़ा सा इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए। एंड यस, ऑफ कोर्स इसमें मैं डालूंगा मैथ्यू टेसायर का कुकुम्बर सिरप। अब ये सिरप मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जिन में बहुत सारे फ्लेवर ऐसे होते हैं, आप अगर नोटिस करेंगे तो बहुत सारे बोटेनिकल्स होते हैं, उसको बड़ी अच्छी तरीके से कंप्लीमेंट करेगा ये फ्लेवर, मतलब कुकुम्बर। तो मैं थोड़ा सा अराउंड 10 ml की करीब करीब इसमें डाल दूंगा, सो दैट ये थोड़ा और वर्सेटाइल हो जाए। लाइम जूस जो है ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, सो दैट आप प्रॉपर तरीके से इसको बैलेंस कर पाए। अब इसमें क्या देना है, सिंपली है, इसमें आपको देना है आइस। तो मैं इसमें आइस डाल दूंगा। अब इसको अच्छी तरीके से मैं करूँगा शेक। तो चलिए शुरू करते हैं शेकिंग। बस, तो ये जो है अभी इस ड्रिंक को हम कन्वर्ट करेंगे एक शानदार ग्लास में। बट इससे पहले मैं इसमें एक चीज डालना चाहूंगा और वो है एक आइस। बाय द वे, मार्टिनी ग्लास में यूजुअली आइस नहीं जाता है, बट फिर भी मैं इसमें दूंगा एक डेकोरेटेड आइस। आप देखिए कितना मस्त लग रहा है ना। तो ये मैं डाल दूंगा और ड्रिंक को कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पर आराम से। देखिए कितना रॉयल एक कलर बन के आया है ना। तो ये बन गया आपका ड्रिंक। अब गार्निश के तौर पे मैं यहाँ पर यूज करूँगा थोड़ी सी फ्लावर, ये फ्लावर जो
लूपी था। तो ये गार्निश काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप भी मतलब ऐसे ही और इस तरीके से बना सकते हो कॉकटेल को। तो ये रहा वो कॉकटेल। बाय द वे, इसका नाम क्या होना चाहिए आप बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने कुकुम्बर यूज़ किया, मैंने IQ जिन यूज़ किया एंड इतने सारे सामान यूज़ किए, तो उस हिसाब से नाम बनना चाहिए, है ना। तो चलो टेस्ट करते हैं कैसा बना। एज आई टोल्ड यू, वेरी वर्सेटाइल एंड बिट कॉम्प्लेक्स। एट द सेम टाइम आपको हनी मिल रहा है, कुकुम्बर मिल रही है एंड बोटानिकल्स जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है। एंड एट द एंड मैं यही बोलूँगा, इट्स वेल बैलेंस्ड कॉकटेल। तो फ्रेंड आप घर में बनाइए, मुझे टैग करके लिखिए कि आपको कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ विन रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।